कैमरा में रिकॉर्ड सबसे खतरनाक एरोप्लेन लैंडिंग्स। बोइंग 737 में बैठे पैसेंजर से ज्यादा खतरनाक रोलर कोस्टर की सवारी शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि इन लोगों के सफर के दौरान 7300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 500 मीटर प्रति घंटे की स्पीड पर प्लेन की छत उखड़कर हवा में उड़ गई। लेकिन सौभाग्य से उन सभी पैसेंजर्स के पास काफी अनुभवी पायलट था, जिसने उन सभी में से किसी को भी खरोंच तक नहीं आने दी और प्लेन की काफी अच्छे तरीके से सेफ लैंडिंग करवाई। दोस्तों, फ्लाइट में बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए तूफान काफी खौफनाक एहसास होता है, और ठीक ऐसा ही हैम्बर्ग से रवाना हुई एक पैसेंजर प्लेन के साथ हुआ। तूफान ज्यादा तेज होने की वजह से इस प्लेन के दोनों पायलट्स ने इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का फैसला लिया, लेकिन उस समय रनवे पर हवा भी बेहद ज्यादा चल रही थी और ऐसे में प्लेन अनबैलेंस होने लगा और उसके विंड्स जमीन पर टकराने लगी। ऐसे में पायलट ने अपनी समझदारी दिखाते हुए इस प्लेन को उसी समय वापस उड़ाने का फैसला लिया और प्लेन को थोड़ी देर घुमाकर उसका बैलेंस बनाया, जिसके बाद इस प्लेन को पायलट ने काफी बढ़िया तरीके से लैंड करवाया। जनवरी 2009 में अमेरिका से रवाना हुई इस प्लेन में तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होना 90% तय था। लेकिन पायलट ने प्लेन को हडसन रिवर में लैंड करवाने का फैसला लिया और फिर नदी में उसे लैंड करवा दिया। गौरतलब है कि नदी में करवाई गई इस लैंडिंग के दौरान प्लेन में 155 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से किसी को भी खरोंच तक नहीं आई। हडसन सिटी में आज भी इस एक्सीडेंट को किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। साल 2015 में एक चमत्कारी लैंडिंग देखने को मिली। इस प्लेन में लैंडिंग के समय फ्रंट व्हील के हाइड्रोलिक्स खराब होने की वजह से फ्रंट व्हील बाहर नहीं निकल पाया और प्लेन सीधा मुंह के बल रनवे पर गिरा। जब तक यह लैंडिंग पूरी नहीं हुई तब तक यह प्लेन 50% तक डैमेज हो चुका था। पास में खड़े लोगों को यकीन तक नहीं हुआ कि यह प्लेन आखिर क्रैश होने से कैसे बच गया। आर्मी प्लेन की यह लैंडिंग कई लोगों की जान पर बन सकती थी, लेकिन सौभाग्य से वहां खड़े किसी भी व्यक्ति को मामूली खरोंच भी नहीं आई। इंजन फेल होने के कारण रेगिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन का आगे का हिस्सा क्रैश हो गया। गौरतलब है कि इस क्रैश के दौरान कुछ एक पैसेंजर्स को हल्की चोटें आई, लेकिन जान का नुकसान किसी को भी नहीं हुआ। शिकागो से लॉस एंजलिस जा रही फ्लाइट में टेक ऑफ के जस्ट बाद लेफ्ट इंजन फेल हो गया और प्लेन को वापस लैंड करवाने के चक्कर में प्लेन क्रैश हो गया और इस क्रैश ने 273 लोगों की जान ले ली। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।